50 साल का ये अधेड़ शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत जेल के भीतर बेहद ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जेल प्रबंधन की माने तो इस विचाराधीन कैदी कमल सिंह का शव फांसी पर लटका मिला, लेकिन मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। यही नहीं बल्कि मृतक के बेटे ने कई और गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि जेल में कैदियों के ऊपर खर्चे के नाम पर परिजनों से हर महीने हजारों रुपए की वसूली होती है, और तो और पैसे लेकर जेल के भीतर ही बीड़ी सिगरेट के साथ अन्य अवैध चीजें भी सप्लाई की जाती हैं। हाँ, हर बार जाते थे, जब भी पैसे लेते थे और पिताजी से भी टॉर्चर करके बोलते थे कि पैसे लो आप बीड़ी बंडोर के लिए, तो हम बार बार पैसे देते थे। कभी पिताजी ने आपका जिक्र किया था कि इनको पैसे दे दिया करो, इससे मेरे को अच्छे तरीके से रहेंगे, इस बात का जिक्र किया था पिताजी ने आप मिलने? नहीं, एक बार बोल रहे थे कि परेशान में रहता हूँ, थोड़े पैसे दया करे तुम। आपने इस संबंध में कहीं शिकायत विकायत की थी? नहीं, शिकायत करने मैंने कोशिश भी की ऑनलाइन, अपने गूगल पे मैंने नंबर भी निकाले जेल प्रभारी के, 2-3 नंबर पर लगाए, सब बंद बताते, कोई बताता कि कहता था गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, ये बोलते थे। आपको लगता है पिताजी आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, उनने आत्महत्या की तो बोली भी नहीं थी। मैंने उनसे एक दो बार मैंने पूछा भी कि पापा तुम कैसे हो, यहाँ मैं तो बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो अच्छे रहो, खूब खाओ पियो, मस्त रहो। बॉडी पर कहीं कोई निशान वगैरह ऐसे थे जो जैसे लग रहा हो कि किसी? हाँ, निशान थे ना, इस पैर में एक चोट लगी हुई थी वो, और उसमें घाव भी था, सूजन भी थी उसमें, और ब्लड भी निकल रहा था, और एक तरफ दो डंडे के निशान भी बने हुए थे। जिस जगह उन्होंने फांसी लगाई उस जगह आप मौके पर पहुंचे थे? हाँ, मैं गया था अंदर। कितनी ऊंचाई पर थी जो फांसी लगाने का जो वो था? ऊंचाई का मान कर चलो 5 फुट से 6 फुट मान लो, तो 6 फुट की खिड़की होगी, 3 फुट नीचे मान लो और 3 फुट की खिड़की मान लो, उससे उतना था फर्क बस। जब था कि उससे फांसी लगा सकते हो? नहीं, वो पहले ही मेरे से ये बोल रहे थे कि तुम चिंता नहीं करो, मुझको 20 साल की बोलेगी तो मैं 20 साल की भी काट के आऊंगा, तुम टेंशन नहीं करो, मरूंगा नहीं, ये बोल रहे थे उन्हें, मरूंगा भी नहीं, टेंशन नहीं करो, तो मैं 20 साल की भी काट के आऊंगा, ये भी बोला उन्होंने। अगर वो अपनी जान बचाना चाहते तो खिड़की पे लटक सकते थे? खिड़की पे बचाव कर सकते थे वो पैर रख के? हाँ, पूरी फुल तरीके से, पैर नीचे धरा था, पैर रखा हुआ था, एक पैर रखा हुआ था, और उसमें जो मोटे मोटे सरिया लगे थे वो पकड़ भी सकते थे, सरिया थे बहुत मोटे मोटे, और पकड़े भी थे उनको सरियों को हाथ में, और उनके हाथ में ऐसे एक रस्सी भी बंधी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ बांधा उनका। उधर इस हत्या के बाद जेल प्रबंधन के साथ पूरा प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। हालांकि उसने अभी तक मृतक की हत्या की बात को कबूल नहीं की, लेकिन कैदी की आत्महत्या के मसले पर एक प्रहरी को जरूर सस्पेंड कर दिया। परिजनों का शुरू में तो लग रहा था कि वो है, लेकिन जरूर उनके द्वारा बोला गया कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, तो ये तो जाँच का विषय है, और मजिस्ट्रेट साहब भी थे, ऑफिसल वाले सभी लोग हैं, डॉक्टर लोग भी, तो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता आएगी वो आप लोग उनका कार्रवाई की जाएगी, जिन पहरी उसको तत्काल सस्पेंड कर रहे हैं, पहरी को तो तत्काल सस्पेंड, एक पहरी था, क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र जाटव, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और जो जो जिसकी ड्यूटी रहती बैरक में उसको भी विभागीय कार्रवाई के द्वारा पनिश किया जाएगा। आगे ऐसी तरह की घटना ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? कोशिश तो हम लोगों की यही रहती है कि जेल में घटनाएं ना हो, सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम हो, पर थोड़ी सी लापरवाही कारण घटना हो जाती है उसको हम लोग मीटिंग के थ्रू चुस्त करने का प्रयास करेंगे। मृतक के बेटे के आरोप के बाद जेल प्रबंधन कई सवालों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में कथित जिम्मेदार कुछ भी कहने को राजी नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी को किसी भी स्तर पर सही करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए भरत रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।